नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया नरेंद्र गुरु चैनल में आपका स्वागत है। कल दोस्तों हमने ग्राइंडर मिल का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, जिसमें बताया गया था कि ग्राइंडर मिल को मार्केट से किस प्रकार से परचेज करना है और ग्राइंडर मिल को किस प्रकार से डिफाइंड किया जाता है। तो दोस्तों हमने कल ग्राइंडर मिल को डिफाइंड करना सीखा था, आज सिखाएंगे कि जो उसके पार्ट थे उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों कल मैंने आपको MAGGSB एक ग्राइंडर मिल के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी थी, एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जिसकी सहायता से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो MAGGSB, तो इसकी सहायता से हम पूरे ग्राइंडर मिल को याद रख सकते हैं। दोस्तों हम ये इसके एक एक पार्ट है, एम का मतलब अलग होता है, ए का कुछ अलग होता है, जी का अलग होता है, जी का अलग होता है, एस का अलग होता है, बी का कुछ अलग होता है, तो इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। एम का मतलब होता है दोस्तों हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिंबल। तो जैसे दोस्तों कोई कंपनी होती है तो वो क्या करती है, जब भी ये बनाती है ग्राइंडर मिल बनाती है तो उसके ऊपर क्या करती है, वो अपना एक मैन्युफैक्चरिंग सिंबल बनाती है या फिर अपना नाम बनाती है। जैसे कोई भी कंपनी हो अपना कोई भी सिंबल बना सकती है, तो इसका ग्राइंडर मिल में कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन हमें पता चल जाता है कि वो ग्राइंडर मिल किस कंपनी का है, कहाँ से ली, इंडिया की है या विदेश की है। कोई भी कंपनी हो अपना एक प्रोफाइल बनाती है या फिर अपना एक स्टिकर बनाती है, तो जिसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग सिंबल, जिसका ग्राइंडर मिल में उतना कुछ महत्व नहीं होता है। तो दोस्तों दूसरा हम बात आती है हमारे एब्रेसिव के ऊपर। तो दोस्तों ये एब्रेसिव होता क्या है, तो जो एब्रेसिव होता है एक हार्ड पदार्थ होता है, ये हमें प्रकृति से भी प्राप्त होता है और इसे हम मानव भी बना सकते हैं। जैसे दोस्तों जो एब्रेसिव होता है हमारा, टू टाइप्स का एब्रेसिव होता है, एक होता है हमारा नेचुरल एब्रेसिव और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो दोस्तों जो नेचुरल एब्रेसिव होता है, जो हमें पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल एब्रेसिव, और जो हम बनाते हैं उसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल एब्रेसिव। दोस्तों नेचुरल एब्रेसिव में एक हमारा एम्ब्री आता है, कोरंडम आता है, हीरा आता है। दोस्तों नेचुरल एब्रेसिव में जो सबसे हार्ड एब्रेसिव होता है वो होता है डायमंड, डायमंड को हीरा कहते हैं। इसकी जो हार्डनेस होती है वो होती है 10। फिर दूसरा आता है दोस्तों हमारा आर्टिफिशियल एब्रेसिव, मतलब मानव द्वारा निर्मित एब्रेसिव जो बनाया जाता है उसे हम आर्टिफिशियल एब्रेसिव कहते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा टू टाइप्स का एब्रेसिव होता है, जिसमें से हमारा ये फर्स्ट जो होता है ये होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा होता है सिलिकॉन कार्बाइड। दोस्तों जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर ए से प्रदर्शित करते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला जो एब्रेसिव होता है उसकी जो हार्डनेस होती है होती है 9.6 और जो सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव होता है उसकी जो हार्डनेस होती है 9.87। एग्जाम में दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले एब्रेसिव का प्रयोग किस धातु को काटने के लिए किया जाता है, या फिर पूछा जाता है कि सिलिकॉन कार्बाइड वाले एब्रेसिव को काटने के लिए किसका प्रयोग, सिलिकॉन कार्बाइड वाले एब्रेसिव का प्रयोग किस धातु को काटने के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव वाला जो ग्राइंडर व्हील होता है उसका यूज किया जाता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले धातु को काटने के लिए, और दूसरा होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, तो इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु को काटने के लिए। तीन नंबर पे आता है हमारा ग्रेन साइज। तो दोस्तों ग्रेन क्या होता है, तो ग्रेन दोस्तों जो होता है हमारा एब्रेसिव के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसे ग्रेन कहते हैं। तो ग्रेन साइज जो चार प्रकार का होता है दोस्तों ग्रेन साइज हमारा, फर्स्ट होता है हमारा कोर्स, सेकेंड होता है हमारा मीडियम, थर्ड होता है फाइन और फोर्थ होता है फेरीफाइन। तो कोर्स में दोस्तों जो एब्रेसिव के कण होते हैं उनकी संख्या होती है 10 से लेकर 24 तक, मीडियम वाले में होती है 30 से लेकर 60 तक, फाइन में होती है कणों की संख्या 80 से लेकर 180 तक, और वेरीफाइन में जो कणों की संख्या होती है वो होती है 220 से लेकर लगभग 600 तक। मतलब ग्रेन जो होता है उसमें क्या होते हैं एब्रेसिव को क्रश किया जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और इस प्रकार से उसको हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो लगभग जो होते हैं 10 से लेकर 600 नंबर तक के साइज तक ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो 10 से 24 होते हैं ये बड़े साइज के होते हैं और 220 से 600 तक के होते हैं कण, वो छोटे छोटे साइज के कण कहलाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा ग्रेड। तो ग्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ग्रेड होता है हमारा ग्राइंडर व्हील एब्रेसिव कणों को जितनी मजबूती से पकड़ता है उसे ग्रेड कहते हैं। मतलब ग्राइंडर व्हील एब्रेसिव कणों को जितनी मजबूती से पकड़ेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्राइंडर व्हील का ग्रेड कहलाएगा। तो ग्रेड जो होता है, अब इसमें दोस्तों जो बॉन्ड कणों को जल्दी छोड़ता है, मतलब जो बॉन्ड होता है हमारा कणों को जल्दी छोड़ता है वो सॉफ्ट वाला कहलाता है, और जो जल्दी नहीं छोड़ता वो हार्ड ग्रेड वाला व्हील कहलाता है।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जो हमारा ग्रेड होता है, ग्रेड हमारा तीन टाइप का होता है और इसको दोस्तों हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए से लेके झेड तक प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो तीन टाइप में हमारा आता है ये सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड और तीसरा होता है हार्ड ग्रेड। तो सॉफ्ट ग्रेड में जो होता है वो ए से एफ तक पाया जाता है, मीडियम ग्रेड जो होता है वो जी से डी तक पाया जाता है और हार्ड ग्रेड वाला जो होता है वो पाया जाता है डब्ल्यू से लेके झेड तक। तो दोस्तों इसमें कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हार्ड मटेरियल के लिए किस ग्रेड का फिल प्रयोग किया जाता है। तो हार्ड मटेरियल के लिए दोस्तों नर्म ग्रेड वाला ही फिल का प्रयोग किया जाता है और दूसरा पूछा जाता है कभी कभी कि नर्म धातुओं के लिए किस ग्राइंडर फिल का प्रयोग किया जाता है ग्रेड के अकॉर्डिंग, तो सॉफ्ट ग्रेड वाला फिल प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों बात आता है हमारी ग्राइंडर फिल के स्ट्रक्चर के ऊपर, नंबर पांच जो होता है ग्राइंडर फिल का स्ट्रक्चर किया स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों कि ग्राइंडर व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कण, ग्राइंडर व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कण को ही क्या कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर कहते हैं। और बाण की मात्रा, मतलब ग्राइंडर व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कण और बाण की मात्रा को क्या कहते हैं, हम स्ट्रक्चर कहते हैं। दोस्तों जो ग्राइंडर व्हील का जो स्ट्रक्चर होता है दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा डेंस स्ट्रक्चर और दूसरा होता है हमारा ओपन स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर को हम 0 से लेके 14 तक नंबर तक जो डिजिट होते हैं हमारा 0 से लेके 14 तक डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों जो 0 से 7 तक होता है वो हमारा कहलाता है डेंस स्ट्रक्चर और जो 7 से 14 तक होता है वो कहलाता है हमारा ओपन स्ट्रक्चर। तो जो डेंस स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, तो डेंस स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडर व्हील का प्रयोग किया जाता है फाइन ग्राइंडिंग के लिए। जैसे दोस्तों हमें कटिंग टूल में धार लगाना है तो उसके लिए हम फाइन ग्राइंडिंग मतलब डेंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और ओपन स्ट्रक्चर का यूज वहां किया जाता है दोस्तों जहां पे हमें अधिक मात्रा में मटेरियल को हटाना होता है, मतलब जहां पे हमें रफ ग्राइंडिंग करना होता है हम वहां पे ओपन स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडर व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिए कि यदि हमें फाइन ग्राइंडिंग करना है तो उसके लिए हम डेंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे जो होता है 0 से 7 तक, और यदि हमें रफ ग्राइंडिंग करना है तो उसके लिए हम कौन से ओपन स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडर व्हील का प्रयोग करेंगे जो होता है हमारा 7 से लेके 14 तक। फिर दोस्तों हमारा सबसे लास्ट होता है बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है, तो दोस्तों बॉन्ड होता है हमारा एब्रेसिव कणों को मजबूती से पकड़ने और व्हील आकृति प्रदान करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो बॉन्ड कहलाता है। तो बॉन्ड में दोस्तों हमारा लगभग 7 प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं हमारे। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो बॉन्ड होता है वो होता है हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड। दोस्तों इसमें जो हमारा बॉन्ड होता है उसमें अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि विट्रीफाइड बॉन्ड को अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है या सिलिकेट बॉन्ड को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो विट्रीफाइड बॉन्ड होता है उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर वी से प्रदर्शित किया जाता है, सिलिकेट बॉन्ड जो होता है उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एस से प्रदर्शित किया जाता है। जो हमारा नंबर 3 का होता है सेलेक्ट बॉन्ड, तो दोस्तों यहाँ पे हम अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेलेक्ट बॉन्ड को अंग्रेजी के किस लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। तो अधिकतर लोग दोस्तों इसको एस लगा के आते हैं लेकिन जो हमारा सेलेक्ट बॉन्ड होता है उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ई से डिफाइंड करते हैं। रबर बॉन्ड को आर से प्रदर्शित करते हैं, रेजोनाइट बॉन्ड जिसका दूसरा नाम दोस्तों बेकेलाइट बॉन्ड होता है उसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं। 7 नंबर का होता है हमारा ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड, तो दोस्तों ये ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड को ऑक्सी से प्रदर्शित करते हैं लेकिन हम जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड होता है वो ठंडी अवस्था में जम जाता है, मतलब जो बॉन्ड होता है ठंडी अवस्था में ही जम जाता है, कठोर हो जाता है। और 7वां दोस्तों हमारा जो बॉन्ड होता है वो होता है मेटेलिक बॉन्ड जिसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एम से प्रदर्शित किया जाता है और ये मेटेलिक बॉन्ड का यूज किया जाता है सीमेंटेड कार्बाइड टूल को ग्राइंड करने के लिए। तो मेटेलिक बॉन्ड आप समझ गए होंगे कि जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका यूज किया जाता है सीमेंटेड कार्बाइड वाले ग्राइंडर टूल को टूल की ग्राइंडिंग करने के लिए। इसके लिए जो एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो डायमंड होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मैंने आज जो आपको ग्राइंडर व्हील की जो ये थे हमारा एब्रेसिव था, ग्रेन साइज था, ग्रेड था, स्ट्रक्चर था, बॉन्ड के बारे में जो बताया आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।